हे दोस्त, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉफिक हेल्थ डी। हमें क्यों पीना चाहिए पानी अत्यधिक मात्रा में? दोस्त, इसके फायदे जान के आप हैरान से हो जाओगे, चौंक से जाओगे। मात्र 30 दिन ही करके देख लेना, एक ऐसे फायदे आपके सामने नजर आएंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाय दोस्त, मैं हूँ दिनेश। बात करने वाला हूँ लिमिट से ज़्यादा या अत्यधिक पानी के सेवन से या पानी को पीने से क्या फ़ायदे होते हैं या पानी पीने का तरीका क्या होता है, ऐसी ढेर सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो यार, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में लाइक घंटी होगी उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे नॉलेज वीडियो हेल्थ संबंधी जानकारी आप तक मैं हर दिन शेयर करता रहूँगा। दोस्त, सात फायदे जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ना ही आपको जानकारी होगी कि ज़्यादा पानी पीने से क्या क्या बेनिफिट्स हमारे शरीर के लिए होते हैं। पहली फायदा कौन सी है दोस्त, इसके बारे में आपको बताऊंगा। आपके स्किन्स, वाकई में दोस्त स्किन समस्या, आप तरह तरह के क्रीम्स, मेडिसिन यूज करते हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज करते हो, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता। आप सोचते हो यार क्या करूँ यार, मेरे स्किन्स पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, मैं क्या करूँ मेरे स्किन्स पे कोई प्रॉब्लम्स ना हो, तो इसके लिए आपको अत्यधिक पानी पीना होगा। हकीकत में दोस्त, रियल की बात बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको पानी पीना होगा। दूसरी चीज़ जो है दोस्त, दूसरा है टॉक्सिन। शरीर के अंदर विषैले पदार्थ होते हैं, ये आपको पता होगा, आपके ही शरीर के अंदर या हर किसी के शरीर के अंदर विषैले पदार्थ होते हैं जिसे हम टॉक्सिन के नाम से जानते हैं। टॉक्सिन, ये टॉक्सिन को बाहर करता है। विषैले पदार्थ, हिंदी में से विषैले पदार्थ कह सकते हैं और पढ़ी लिखी भाषा में, इंग्लिश की भाषा में से हम टॉक्सिन कहते हैं। तो टॉक्सिन को ये बाहर करता है। अत्यधिक मात्रा में पानी पीने के ये बेनिफिट्स होते हैं। पानी हमें पीना कितना है, कैसे पीना है, कब पीना है, कौन से तरीके से, वीडियो पे बने रहिए, सारी चीजें मैं आज दोस्त क्लियर करूंगा इसी ही वीडियो में। तीसरा फायदा जो है दोस्त, तीसरा फायदा है आपका पिंपल्स। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोगों के पिंपल्स ऐसे ऐसे करके निकल जाते हैं। पिंपल्स निकलने के बाद दाग धब्बे छूट जाते हैं, है ना, राइट बात बता रहा हूं कि नहीं? पिंपल्स होने के बाद दाग धब्बे ऐसे छूट जाते हैं, काले काले काले। ये दाग धब्बे दोस्त 30 दिन के अंदर ही खत्म हो जाएंगे, सिर्फ पानी पीने के सही तरीके, सही फायदे के बारे में आप जान लो। जिस भी लोगों को हाई डायबिटीज है या हाई बीपी है, डायबिटीज के पेशेंट है, उन्हें भी पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पीना चाहिए, बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। जो चौथी चीज है, मैं चौथी चीज की बात करूं दोस्त, लीवर शरीर का एक ऐसा भाग होता है। लीवर के बारे में आप जानते होंगे, ज्यादा कुछ बताना नहीं होगा। लीवर वो भाग है जो हमारे पाचन क्रिया से जुड़ी चीजें हैं। अगर लीवर खराब हो जाए तो फिर जिंदगी नरक बन जाएगी दोस्त। लीवर का काम ही यही है, बहुत ही ज़्यादा इतना बेनिफिट्स करता है शरीर के लिए लीवर, कि लीवर हुआ, किडनी हुआ, ये सारी चीज़ें अगर शरीर में डैमेज हो जाएं, खराब हो जाएं, तो पैसा कितना भी दोस्त कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, ना आप सारी जिंदगी के आनंद उठा पाओगे। पांचवी चीज़ है दोस्त आपकी किडनी। किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है हमारे ब्लड को फिल्टर करना, यही काम ही है किडनी का। और किडनी अगर खराब हो जाए, आपका ब्लड फिल्टर ना हो पाए, तो जाहिर सी बात है आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां पनपने लगेंगी और आप इतने बीमार पड़ जाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते दोस्त। अब जो छठवीं चीज है दोस्त, वो है आपका ये हेयर। हेयर से जुड़ी आज के समय में आप देखते होंगे बहुत सारी परेशानियां बहुत सारे लोगों को होती है, जैसे कि समय से पहले सफेद हो जाना, यहां तक कि जब भी कंघी करो तो बाल झड़ते हैं, टकले हो जाते हैं लोग, इतने सारे दिक्कतें होती हैं, मतलब हेयर से जुड़ी बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। तो उसका सीधा साधा इलाज है पानी। कैसे पीना है, वीडियो पे बने रहिए, मैं बताऊंगा आपको दोस्तों। लास्ट वाली और सातवीं चीज़ है, ये एकदम सही है दोस्त, आपको ऊर्जावान बना देगा। ऊर्जावान आप दिन में, अब पानी पीने के तरीके के ऊपर चलते हैं, मैं उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फायदे कितने हैं, पानी कैसे हमको पीना है, कितना पानी पीना है, इसके बारे में। दोस्त आप दिन में जब भी आपको प्यास लगे, आप आधा गिलास ही पी लो यार। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप दो दो लीटर एक एक बार में पी लो, आधा आधा गिलास आप 15-15 मिनट पे ही पीते रहो। 15-15 मिनट पे आधे आधे गिलास पानी का सेवन करो, तो देखो आप दिन भर में कम से कम 6-7 लीटर पानी का सेवन कर सकते हैं। नॉर्मल पानी पीजिए, फ्रिज का पानी मत पीजिए, क्योंकि फ्रिज का पानी नुकसान करता है दोस्त, बहुत ही ज्यादा नुकसान करता है, तो फ्रिज का पानी हमें नहीं पीना है। अब दोस्त ऊर्जावान की बात जो करें, तो दोस्त ऊर्जा पानी के अंदर है ही यार। जो पानी लाइट या करंट उत्पन्न कर सकती है, तो शरीर के अंदर कितना ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है, आपने कभी सोचा है? ये चीज रियल बता रहा हूं कि नहीं? वही पानी लाइट या विद्युत उत्पादन करती है,
जो हमारे घर में एसी, फ्रिज, पंखे, कूलर तमाम चीजें चलते हैं, तो वो पानी जब शरीर के अंदर जाएगा तो शरीर के अंदर भी मशीन्स लगे हैं दोस्त, ये आपको लगाने की जो नहीं ऊपर से ही लग के आए हैं, तो वो हमारे अंदर कितना ऊर्जा का स्रोत कर देगा आप सोच सकते हो, बहुत ही ज़्यादा। तो पानी पीने का सही तरीका ये दोस्त, पानी जब भी पिए बैठ के पिए, इत्मीनान से पिए, सिप सिप घूट घूट कर, ऐसा नहीं कि गिलास लगाया घुट ऐसे करें मारे, ये गलत होता है। सिप सिप करके मतलब चाय की तरह करना, इसे पिए थोड़ा चुस्की लेके उसके बाद फिर पिए, मतलब आधे गिलास पानी को तीन बार में आप पिए, कम से कम दिन में 15-15 आधा आधा घंटे के बाद, 15-15 मिनट के बाद आप पीजिए आधे आधे गिलास पानी, एक एक गिलास पी सकते हैं तो जाहिर सी बात है दोस्त आप 7 लीटर कम से कम 24 घंटे के अंदर पानी पीजिए, देखिए दोस्त स्वास्थ्य इतना बेहतर हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको कभी भविष्य में परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने सारे बेनिफिट्स हैं दोस्त, पानी पीने के तरीके भी आप जान लिए कि हमको पानी बैठ के पीना है, पानी कितना पीना है, हमको क्या क्या बेनिफिट्स देंगे, तो दोस्त पानी पीने के ये थे सही तरीका, क्यों पीना चाहिए इसी वजह से चाहिए क्योंकि 7 बेनिफिट्स हमारे शरीर के लिए हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगा है, संबंधित जानकारी आपको मिली है लगी है तो वीडियो पे लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल बेल आइकन घंटी होगी उसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे नॉलेजफुल वीडियो है संबंधित जानकारी मैं आप तक हर दिन शेयर करता रहूंगा। तब तक मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, गुड लक, वंदे मातरम।